मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। मैक्रोसाइक्लिक मीन्स, मैक्रो मीन्स मेगा मतलब बिग इन साइज, एंड साइक्लिक वी नो साइक्लिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड? इट इज़ ए मैक्रोसाइकल मीन्स बिग साइकिल या मेगा साइकिल विथ ए रिंग साइज ऑफ एटलीस्ट 9 एंड 3 और मोर डोनर साइट्स। मैक्रोसाइकल कंजिस्ट ऑफ ए रिंग, इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है। अब इस रिंग की साइज डिपेंड होती है इनमें प्रेजेंट एटम्स के ऊपर। तो मैक्रो मतलब बिग इन साइज, तो मैक्रोसाइकल में कम से कम 9 एटम्स होते हैं और इसमें 3 या 3 से ज़्यादा डोनर साइट्स होंगी। हमें पता है लिगैंड क्या करते हैं, दीज आर द डोनर्स जो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड का एग्जांपल है क्राउन ईथर या पॉर्फायरिन। नाउ व्हाट आर द मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स? जब मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड किसी मेटल के साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और इन्हें बोला जाता है मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स। सो मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस आर सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइनिंग मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड्स एंड मेटल आयंस। सो मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड्स और मेटल आयंस, इनके कॉम्बिनेशन से हमें मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स मिलता है। अभी ये जो मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है, ये होता है यूजिंग टेम्पलेट इफ़ेक्ट। अभी इस टेम्पलेट इफ़ेक्ट का मीनिंग क्या है? टेम्पलेट मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो एक साचा होता है जिसका यूज़ करके हम कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है मेटल्स को। इन टेम्पलेट रिएक्शंस मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड्स आर जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयंस। तो जो भी मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड्स का फॉर्मेशन होता है वो किसी मेटल आयंस के प्रेजेंस में ही होगा। मतलब अगर कोई मेटल आयन प्रेजेंट है तो ही मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है। इन्हें टेम्पलेट इफ़ेक्ट बोला जाता है। अगर मेटल आयन प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पर तो मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड फॉर्म नहीं होगा। कुछ अलग लीनियर कंपाउंड या अलग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड मतलब रिंग फॉर्मेशन होती है सिंपल वर्ड्स में। तो अगर मेटल आयंस नहीं है तो इन द अब्सेंस ऑफ मेटल आयंस द सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अभी ये डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब कोई लीनियर कंपाउंड हो सकते हैं या कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 क्राउन 6, दिस इज़ द क्राउन ईथर। क्राउन ईथर बोला जाता है इसे। इसमें 18 कार्बन्स होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, इसीलिए इन्हें 18 क्राउन 6 बोला जाता है। अब यहाँ पर सेंटर में क्या है? पोटेशियम मेटल आयन। तो अगर पोटेशियम मेटल आयन प्रेजेंट होगा तो उसके प्रेजेंस में ही ये रिंग फॉर्म होती है जिसे हम मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड बोलते हैं। सो 18 क्राउन 6 सिंथेसिस यूजिंग पोटेशियम आयन एज द टेम्पलेट कटायन। यहाँ पर 18 क्राउन 6 में पोटेशियम आयन एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट कटायन। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड्स? These are used as antibiotics, so they have medicinal properties. They bind ions
and facilitate ion transport across hydrophobic membranes and solvents. So, ट्रांसपोर्ट मटेरियल के जैसे भी मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड एक्ट करते हैं, मतलब वो आयंस को बाइंड करते हैं और उन आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन्स एंड सॉल्वेंट्स. दीज आर बायो एक्टिव एंड कुड बी यूजफुल फॉर ड्रग डिलीवरी. दैट इज़ they have medicinal properties also.